Hello everyone, welcome to Engineer Sub. So in the last video, we have already discussed about the stability analysis of a gravity dam. Okay, so in this video, we will discuss about elementary profile of a gravity dam and limiting height of a gravity dam. Okay, so before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the latest update. Okay, so let us see what do you mean by elementary profile of a gravity dam. An elementary profile of a gravity dam will be a triangular in section, okay, having zero width at the water level at the top or whereas water pressure is zero, and maximum base width B where the maximum water pressure F. Thus the section of the elementary profile is of same shape as that of हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारे स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एलिमेंट्री प्रोफाइल है ग्रेविटी डैम का वो ट्राइंगुलर शेप होता है. जैसे कि पहले हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे थे, जो भी डैम डिस्कस कर रहे थे कुछ इस टाइप से ट्रेपेजॉइडल शेप में डिस्कस कर रहे थे, बट एलिमेंट्री प्रोफाइल जो है ग्रेविटी डैम का वो हमारा कुछ ट्रेपेजॉइडल ना होके वो कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर शेप होता है. कहने का क्या है कि जो मैक्सिमम जहाँ पे वाटर लेवल है वहाँ पे जीरो विड्थ है और जहाँ पे जीरो वाटर प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, और बेस विड्थ बी जहाँ पे मैक्सिमम है जहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेशर फोर्स मैक्सिमम एक्ट कर रहा है, और ये जो हमारा है ये सेम है इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का. ठीक है, वो देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है. इसका इसका ये क्या है, सेम है. ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम. ठीक है, अब देखिए जितने भी फोर्सेस हमारे पास नॉर्मल ग्रेविटी डैम पे लग रहे थे सेम फोर्सेस क्या है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम पे भी लगेगा, बट फॉर द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम मिनिमम विड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी, ओके, अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्न. क्या मिनिमम विड्थ रिक्वायर होता है, जो कि कुछ इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो मिनिमम बेस विड्थ रिक्वायर्ड फॉर एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग मिनिमम विड्थ बेस विड्थ वी विल रिक्वायर दैट इज बी मिनिमम इज इक्वल टू एच बाय म्यू इंटू एच माइनस सी. एच क्या है, हाइट ऑफ द डैम. आप इस फिगर में देख सकते हैं ये जो एच है वो हमारे पास हाइट ऑफ द डैम हो जाएगा. म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द डैम, एंड सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट, राइट. और सेकंड क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग. ये भी हम क्या जनरली यूएसबीआर रिकमेंडेशन से वन लेते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग उसको भी यूएसबीआर रिकमेंडेशन से वन लेते हैं. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के बेसिस पे हमारे पास मिनिमम विड्थ कितना हो जाएगा, एच बाय रूट अंडर एस माइनस सी. एच क्या है, हाइट ऑफ द डैम, एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट कितना होता है, सी इज इक्वल टू जीरो होता है फॉर रॉक, राइट, एंड इक्वल्स टू वन फॉर ऑल अदर मटेरियल, राइट. करने का मतलब क्या है कि अगर जो भी एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम है वो अगर रॉक फाउंडेशन पे किया गया तो यहाँ पे सी हम लोग जीरो लेंगे, तो ये जो बी मिनिमम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो हमारे पास उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, एच बाय न्यू एस हो जाएगा फार्मूला, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग पे बी मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बाय रूट अंडर एस हो जाएगा. ठीक है, जब हम लोग का क्या जो भी एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम हम लोग क्या रॉक फाउंडेशन पे होगा तब हमारे पास सी जीरो हो जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट. तो हमारे पास ये फार्मूला चेंज होकर डायरेक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी के जगह पर हम लोग क्या जीरो पुट कर देंगे, राइट. तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम. इसके अलावा जो भी फोर्सेस हमारा एक्ट हो रहा था मीन्स ग्रेविटी डैम पे, बाकी सारे फोर्सेस सेम एक्ट कर होगा और सेम एनालिसिस होगा. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम. ठीक है, तो लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम क्या होता है. ठीक है,
The limiting height of a gravity dam is defined as it is the minimum height of a gravity dam and maximum height of a low gravity dam. Means based on limiting height, we will decide that the given gravity dam is a high gravity dam or low gravity dam. ठीक है, means HL, ये क्या है हमारे पास, मिनिमम हाइट है ग्रेविटी डैम का और मैक्सिमम हाइट है लो ग्रेविटी डैम का. ठीक है, तो लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, HL इज इक्वल टू एफ बाय गामा डब्ल्यू होल इन टू एस माइनस सी प्लस वन. एफ क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स. जो भी कॉन्क्रीट मिक्स हम लोग ग्रेविटी डैम को बनाने के लिए कंसिडर किए हैं, ठीक है, तो उसका परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. एस क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट. सी क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, 0 फॉर रॉक एंड 1 फॉर ऑल अदर मटेरियल. अभी मैंने बताया अगर ये रॉक फाउंडेशन पे है तो हमारे पास क्या है, सी 0 लेंगे और रेस्ट ऑल फॉर 1 वी विल कंसिडर. ओके, तो यहाँ पे से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच एल. ठीक है, तो अब देखिए बेस्ड ऑन एच अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी जो भी डैम कंसिडर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उस डैम का हाइट हमारे पास क्या है, एच है. ठीक है, और हमारे पास लिमिटिंग हाइट एच एल है. अगर हमारे पास एच क्या है, एच एल से कम हो गया, मीन्स जो गिवन हाइट है डैम का वो हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू हो गया क्या, लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम, तो हम लोग उस टाइप के डैम को क्या बोलेंगे, लो डैम बोलेंगे. ठीक है, और इस टाइप के लो डैम में सिर्फ हमारे पास ये चार फोर्सेस एक्ट करते हैं, वो कौन सा है, वेट ऑफ द डैम, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स. ये तीन फोर्स, मैंने चार इसलिए बोला था क्योंकि जो ग्रेविटी डैम है उसमें दो वाटर प्रेशर एक्ट करते हैं, एक अपस्ट्रीम साइड से एक डाउनस्ट्रीम साइड से. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वाटर फोर्स हो जाएगा, एक सेल्फ वेट एक अपलिफ्ट प्रेशर. ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है. सेकेंड, अगर जो गिवन हाइट ऑफ ए डैम है वो क्या ग्रेटर देन लिमिटिंग हाइट ऑफ ए ग्रेविटी डैम हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाई डैम. इसमें क्या, बोथ मेजर एंड माइनर फोर्सेस विल एक्ट. मीन्स जो भी मैंने छह फोर्सेस डिस्कस किया था द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए ग्रेविटी डैम में, वो सारे छह फोर्सेस एक्ट करेंगे, जो कि वाटर फोर्स, प्रेशर फोर्स, आइस फोर्स, ठीक है, और विंड फोर्स. जो भी मैंने छह प्रेशर फोर्स डिस्कस किए थे वो सारे एक्ट का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा ग्रेविटी डैम कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.